शिवपुरी के पोहरी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां अभी पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। इसी के चलते पोहरी के पूर्व विधायक सुरेश राजखेड़ा और पोहरी एसडीओपी राकेश व्यास के बीच हॉट टॉक हो गई, जिसमें पूर्व विधायक सुरेश राजखेड़ा ऑडियो में बोल रहे हैं कि बेटे को फांसी चढ़ा देते हैं। पूरा सुनिए ऑडियो। अरे एसडीओपी साहब, तुम बेटे से क्या कह रहे हो, मैं टांटे दे दूंगा। बत्तमीजी वो कर रहा था भाई, मैं नहीं कर रहा था। बत्तमीजी वो कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था। क्या बत्तमीजी किया आपके साथ? मैंने कहा कि छोड़ दूंगा, अभी आज छोड़ो। तो मैंने कहा मैंने नहीं बोला उसको, फोन कह रहा कि छाटा दे दूंगा। नहीं बेटा, कह रहा बेटा आपको सुधार लो। वो लॉकडाउन में आया क्यों थाने के अंदर? आया क्यों, कानून क्यों तोड़ा उसने? आपने नहीं बत्तमीजी कर यार, मेरे क्या छोड़ दूंगा उसको, अभी रुक जा, दो घंटे बाद छोड़ दूंगा। पीछे कानून तोड़वाओगे तो कैसे होगा, बताइए ना। मैं कह रहा हूँ, करी मेरे को आपके भाई ने भी करी, आपके भतीजे ने भी करी, 25 पत्रकार ने भी कर दी, और मैंने सबको बोल दिया, आपको भी बोला था कि मैं छोड़ दूंगा। उसने मेरे साथ बत्तमीजी करी है एसडीओपी के साथ, जरा सा लौंडा, आंखें तेरा रहा मेरे को, क्या है उसको, मेरे को आंखें तेरा रहने का। एक तो लॉकडाउन में थाने के अंदर आया बिना कारण के, कानून तोड़ा उसने, बत्तमीजी कर रहा है बंद कर देते उसको। तो मैंने कहा बंद कर दूंगा, बोला मैंने कहा बंद कर दूंगा तेरे को। आपके बेटे की बात मान रहा तो आपकी मर्जी, मैंने नहीं बोला, बस मैंने नहीं बोला। वो बोल रहा है, गलत बोल रहा है। वो क्यों आया, वो कानून तोड़ने के लिए किस अधिकार से आया मेरे पास? आपको बोला 50 आदमी आ गए, मैंने कहा मैं छोड़ दूंगा, पर मैं मेरे हिसाब से छोड़ूंगा। ये बहुत परेशान हो गए, मुझे मतलब कर रहे हो, आपने भी फोन किया भाई साहब मेरे को, आपके भाई ने भी करा, आपके भतीजे ने भी करा, कानून क्यों तोड़वा रहे हो आप? कानून क्यों, लॉकडाउन में किस स्थिति से आया मेरे पास, ये बताइए आप तो मेरे को। अरे तो लॉकडाउन में आया आपके पास, क्यों आया? और वो बोल रहे हो सही और हम बोल रहे गलत? नहीं, आप बंद कर सकते हो, चाटा नहीं दे सकते आप। नहीं दिया ना मैंने, कब किया चाटा दिया आपको? नहीं दिया ना चाटा मैंने, ना बोला दूंगा। मैं आपका बहुत सम्मान करता था हमेशा। नहीं, मैं भी आपका सम्मान कर रहा हूँ, कर रहा हूँ एक दिन अभी भी मेरा सम्मान नहीं कर रहा, मैं आपका अभी भी सम्मान कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो आपसे सम्मान कर रहा हूँ मैं तो, और मैंने आपको सम्मान पूर्वक कहा था कि भाई साहब मैं उसको थोड़ी देर उसको पनिशमेंट देके मैं छोड़ दूंगा, बोला कि नहीं आपको, बताइए आपको बोला ना, फिर वो क्यों आया मेरे पास? अरे तो यही कह के भगा देते हैं, बेटा छोड़ दूंगा, कहा छोड़ दूंगा ना, ये कह दिया उसको 25 बार बोल दिया, ये नहीं 25 बार बोला मैंने, 25 बार बोला, आपको भी बोला और यहाँ के 25 पत्रकारों को बोला कि मैं छोड़ दूंगा, ये मेरे सामने मेरे रोकने पर भी नहीं रुक रहे, वो बिना नंबर की गाड़ी चला रहे हैं, बिना लाइसेंस, बिना बीमा है, रजिस्ट्रेशन है ही नहीं उस गाड़ी का, BS3 की गाड़ी है वो, है वो सब कानून उल्लंघन करोगे और आप गाड़ी छुड़वाओगे, फिर भी छोड़ने को तैयार आपका सम्मान करने में, हमने बोल दिया था कि छोड़ दो आप। आपने बोला वैसे मेरे को, आपने बोला, कि छोड़ दो, और मैंने कहा वो छोड़ दूंगा, दादागिरी और दादागिरी करेगा, आंखें तेरा आएगा मेरे को, मेरे को आंखें तेराएगा, मैं उसके बाप के बराबर, मैं उसके बाप के बराबर, आपसे भी बड़ा उम्र में तो आपका लड़का है, मेरे को आंखें तेराएगा वो, और मैंने उसको बोल दिया कि छोड़ दूंगा तो मेरे को आंखें तेरा रहा है। क्यों तड़ाएगा आपको, तुम फिर मेरे को, मेरे क्यों आया वो ये बताइए भाई साहब, आप ये बता दो कि आया क्यों वो? ठीक है, पहुंच गया, आया क्यों, पहुंच गया, नहीं किस हिस्से, किस हिस्से से आ गया आपको, मैंने बोल दिया मैं छोड़ दूंगा, भाई साहब आप विधायक है, आप सम्मान नहीं है हमारे, आप पूर्व विधायक हो गए भले से, लेकिन आज भी हमारे सम्मान नहीं है और रहेंगे, आपको नहीं है वो किस हिस्से से, और जब मैं आपको बोल चुका हूँ कि मैं छोड़ दूंगा, बोला कि नहीं बोला मैंने आपको?
मैंने कहा था कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन इसको थोड़ा सा पनिशमेंट है और बाहर ही बिठा के रखा। अरे तो आप देख नहीं पा रहे उनको, अरे तो आप ये नहीं कह सकते तू जा बेटा देख लो छोड़ना। ये बोला, ये बोला मैंने 25 बार बोल दिया उसको। नहीं तो ये चला जाएगा, चार्टर दे दूंगा। मेरी चार्टर वाली बात बुरा लगा। नहीं मैंने नहीं बोला उसको, मैंने नहीं बोला उसको, नहीं बोला, हाँ नहीं बोला। ठीक ठीक।